नमस्कार। इंग्लैंड का उभरता युवा सितारा हसीब हमीद, जिससे कोहली और एंडरसन जैसे प्लेयर्स भी क्रिकेट का फ्यूचर मानने लगे थे, वो बीच में अचानक कहीं गायब हो गया था। लेकिन अब इंग्लैंड को वापस मिल गया है अपना युवा सितारा और उम्मीद की जा रही है कि कई सालों से इंग्लैंड की ओपनिंग स्लॉट में चल रही प्रॉब्लम्स को हसीब खत्म कर देंगे। हसीब हमीद भारतीय मूल के हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो इंडिया को ही बिलोंग करते हैं और 2016 में इंडिया के खिलाफ ही उन्होंने अपना डेब्यू किया था, किंतु फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट से गायब हो गए थे। आखिर क्या हुआ था, जानेंगे पूरी स्टोरी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं हसीब हमीद की पूरी कहानी। हसीब हमीद का जन्म 17 जनवरी 1997 को बॉल्टन इंग्लैंड में हुआ। हसीब हमीद के पिता गुजराती हैं और हमीद सूरत के पास एक गांव उमराज से बिलोंग करते हैं। वो राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन हैं एंड थोड़ी बहुत लेग स्पिन भी कर लेते हैं। हसीब जब 13-14 साल के थे तो वो इंडिया में भी ट्रेनिंग के लिए आए थे और बॉम्बे में ट्रेनिंग कर चुके हैं। उन्होंने साल 2016 में भारत के खिलाफ ही अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। हसीब तब 19 साल के थे और इंग्लैंड टीम के साथ इंडिया आए थे। हसीब ने उस दौरे पर 3 टेस्ट मैचेस खेले और अपने पहले टेस्ट मैच में ही उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया। पहले 2 टेस्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी और तीसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में उनकी उंगली पर चोट लग गई, जिसके चलते वो दूसरी पारी में ओपनिंग करने नहीं आए। किंतु टीम को संकट में देख हसीब टूटी उंगली के साथ 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड को इम्प्रेस तब किया जब नंबर 8 पर टूटी उंगली से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अनबीटन हाफ सेंचुरी बनाई, जिसके बाद ऑपोजिशन के कप्तान कोहली भी स्पेशली जाकर हसीब को शाबाशी देते नजर आए। लेकिन उस मैच के बाद वो इंजरी के चलते सीरीज से बाहर हो गए और उस दिन के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट से भी गायब हो गए। हुआ कुछ ऐसा था कि उस चोट के चलते हसीब के फिंगर की सर्जरी हुई और रिकवरी के बाद वो फिर से इंग्लैंड में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने लगे। हसीब हमीद की इंग्लिश डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत हाइप थी और वो अपने इंटरनेशनल डेब्यू से भी पहले डोमेस्टिक क्रिकेट से इतना नाम कमा चुके थे कि उन्हें इंग्लैंड का आने वाला स्टार ओपनर माना जा रहा था। लेकिन उस इंजरी और सर्जरी के बाद हसीब की फॉर्म कभी वापस नहीं आई। हालांकि अलेस्टियर कुक के बाद ही इंग्लैंड ओपनर तराश रही थी, किंतु उस सर्जरी के बाद से हमीद की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि उन्हें फिर भी टीम में मौका नहीं मिला। क्रिकेट का युवा सितारा एकदम से गायब सा हो गया था और बात तो यहां तक पहुंच गई थी कि काफी लोग गूगल करने लगे थे कि वेयर इज हसीब हमीद, व्हाट हैपेंड टू हिम। हसीब की जिंदगी में अगला टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2020 में उनके क्लब लैंकैशायर ने उन्हें रिलीज कर दिया और नए क्लब नॉटिंगहैमशायर के साथ वो साइन हो गए। नई टीम में जाते ही पुराने हसीब फिर से नजर आने लगे। वो कंफर्टेबल दिखने लगे और रनों की बौछार करने लगे। डोमेस्टिक की शानदार परफॉर्मेंसेस के चलते इस साल फिर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इंग्लैंड टीम से कॉल आई। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए वो स्क्वाड में चुने गए। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमीद को प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला, किंतु एक बारी फिर भारत के अगेंस्ट उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई और उन्हें दूसरे टेस्ट में प्लेइंग 11 में मौका मिला। हालांकि अब वाले हमीद की 19 साल वाले हमीद से लुक बहुत बदल गई है, किंतु हसीब ने 2 मुकाबलों में ही दिखा दिया कि टैलेंट अभी भी वही है। दूसरे टेस्ट में हसीब को 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला और वो कुछ खास ना कर पाए, जिसके बाद तीसरे टेस्ट में उन्हें उनके रेगुलर बैटिंग पोजीशन ओपनिंग पर मौका मिला और हसीब ने दोनों हाथों से मौके को कबूला और बनाया। उन्होंने 68 रनों की पारी खेली और रॉरी बर्न्स के साथ 135 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई, जो कि 2016 के बाद इंग्लैंड की हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप थी। हसीब ने अपने टैलेंट से तो सबको इम्प्रेस कर दिया है, किंतु देखना ये होगा कि क्या वो अपने टैलेंट को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज में बदल पाएंगे या नहीं। क्या वो अलेस्टर कुक की रिटायरमेंट के बाद जो इंग्लैंड की ओपनिंग में कमी दिख रही है उसे पूरा कर पाएंगे। आप अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारी टीम की तरफ से हसीब को उनकी वापसी के लिए बधाई और आने वाले करियर के लिए बेस्ट विशेस। वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा सवाल, आपको क्या लगता है भारत का अगला विराट कोहली कौन होगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहीं अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।